পংতু পুরা থালালে চেহারম্ভ নারা থালালে চেহা পংতু পুরা থালালে চেহারম্ভ নারা থালালে পংতু পুয়ারা বাংলি বন সখি সিং ব্রহ্মনারা বাংলি মানিহি সিং পংতু পুয়ারা বাংলি বন সখি সিং ব্রহ্মনারা বাংলি মানিহি সিং তু সারং তানে সিং আইডেন্টি সিং তু সারং তানে সিং ব্রহ্মনা জুরাগলা সিং পংতু আরা সিং ব্রহ্মনারা বংশপিলে সিং পংতু পুরা তো খালালে সিং ব্রহ্মনারা তো খালালে সিং পংতু Next, I'd like to request Sri Kamtok Lowong, our former MLA, to present the honor to Honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh. Kamtok. Next, I'd like to request the President of Tutsa Pongtu Festival Committee to present to Sri Kapil Rawji, Honorable MP. To do the honors, to give a token of love to Sri Kamlung Mosangji, Honorable Minister, UDA and Housing, Government of Arunachal Pradesh. Sri Mongpan Bangsia, President ATWS, to kindly do the honors to present the token of Namchung Ji. Honorable Sri Mongpan Bangsia, President ATWS, to do the honors to present to Sri Valim Ahmed ATWS, Gamzit PM, to do the presentation. To kindly do the honors of presenting to Srimati Chaka Rabo Ji, Honorable MA. Next, I'd like to request Sri T. Halang, Chairman ATWS, Gamzit PM, to do the presentation to Sri IGP. I'd also like to request Mr. Kamtok Lowong ZPC to do the honors to all the other dignitaries and special invitees with a token of love. यहाँ पंक्तु फेस्टिवल को विटनेस करने के लिए हमारा साथ आए हैं और हमारा ZPC लुआंग मैडम और हमारा यहाँ का फॉर्मर MLA कामतोक लुआंग साहब ADC, DC, Head of the Departments of Tirap Districts. आप सभी को नमस्कार. रंग में जासे सबको थोड़ा भूख लग गया लगता है. रंग में जासे
सबसे पहले तो आप सभी को और खास करके अपना तुत्सा ट्राइब के सभी लोगों को इस सुंदर पोंगतु त्योहार के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। और इस पोंगतु फेस्टिवल को और भी कलरफुल बनाने के लिए या और भी इस फेस्टिवल का उत्सव बनाने के लिए हमारे साथ उपस्थित राज्य के हमारे सीनियर लीडर, सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चोनामिन जी, और हमारे सांसद ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के सांसद सीनियर लीडर श्री तबीरगांव जी जो आज के स्पेशल गेस्ट है, और सरकार में हमारा सहयोगी अपना तिराफ चांगलांग और लोंगडिंग के तीनों ऑनरेबल मिनिस्टर श्री वंकी लोवांग जी, श्री होनजुंग अदम जी, श्री कमलू मोसांग जी, और हमारे ऑनरेबल MLA श्री कुसुम खिमुन जी, श्री वांगलिन लोवांगडोंग जी, और यहाँ के स्थानीय विधायक श्री वांगलिम सावन जी, ऑनरेबल MLA श्री जिग्नू नामचुम जी, मैडम जगत अबो जी, हमारे बीच उपस्थित फॉर्मर MLA श्री कमतोक लोवांग जी, चीफ इंजीनियर RWD, यहाँ के AGC साहब, SP, और इस त्योहार के प्रेसिडेंट पोंगतु सेलिब्रेशन कमिटी के प्रेसिडेंट श्री लोमसोंग कांगलोंग जी, ZPC मैडम चतुंग लोवांग जी, हमारे कमांडेंट आसाम राइफल, कमांडेंट CRPF, यहाँ उपस्थित सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिसर्स, और खास करके हमारे जितने भी गांव से आए हुए हमारा चीफ और हमारा GV, हमारा पंचायत लीडर्स और सभी कल्चरल ट्रूप्स और मीडिया के दोस्तों, हमारे लिए भी आज बहुत ही खुशी का एक अवसर है कि मैं बहुत सालों बाद फिर दोबारा आपका यहाँ तिराप और खोनसा हेडक्वार्टर में आने का हमें मौका मिला है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा शायद ये तीसरा विजिट है इस डिस्ट्रिक्ट पर। 2016 में जो अपना नोक्ते समाज का यहाँ पे जो त्योहार चला था इसी फील्ड में, तो वहां में आके हम भाग लिया था। इसके बाद फिर 2019 में मैं बोरदुड़िया जहाँ पे वो CO ऑफिस का उद्घाटन और यहाँ पे बारी बसिप का CO उद्घाटन में 2019 में आया। फिर इसका बाद आने का कोशिश किया, मगर आप सबको पता है कि कोविड आने का कारण से फिर सर्टेन SOP का कारण से मैं भी ईटानगर से बाहर के ही डिस्ट्रिक्ट टूर में निकल नहीं पाया। मगर इस बार अभी थोड़ा कोविड अंडर कंट्रोल में है और अभी तक मैं अरुणाचल में एक भी कोविड एक्टिव केस नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए फिर मैंने दोबारा अरुणाचल का टूर करना शुरू कर दिया है। तो आज यहाँ आते ही सबसे पहले तो हम लोग ने जो मिनी सेक्रेटरीट उसका डेडिकेशन किया, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बनके अभी तैयार हो गया है, और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आई डेडिकेट दिस ब्यूटीफुल मिनी सेक्रेटरीट टू द पीपल ऑफ तिराप डिस्ट्रिक्ट। हमें पूरा उम्मीद है कि अभी इतना सुंदर एक बिल्डिंग मिलने के बाद में हमारा डिप्टी कमिश्नर से लेके जितने भी जो हमारा ऑफिसर्स है जो लोग वहां बैठ के काम करेंगे, एक नया एनर्जी के साथ में, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक स्पीड के साथ में वो लोग काम करेंगे ताकि हमारा तिराप डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को फायदा पहुंचा पाए। आज सवेरे जो वहां पे एक छोटा सा इंटरेक्शन जो ऑफिसर्स लोगों का साथ में था, तो मैंने ऑफिसर्स को भी वही चीज में फोकस कराया कि हम लॉ मेकर्स जो होता है वो 5 साल में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आना जाना होते रहेगा, मगर जो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है वो है अपना ब्यूरोक्रेसी, अपना गवर्नमेंट स्टाफ। तो वो लोग अगर सिंसियरिटी से काम करेगा तो अपना जितने भी जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स वो हम लोगों तक लेके जा पाएगा। तो इसका एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर भी होना बहुत ही जरूरी है। पोंगतु